हेलो, ये देखिए स्ट्रॉबेरी हमारा अभी फरवरी का महीना में कितना अच्छा चल रहा, कितना अच्छा फल दे रहा। तो आज का वीडियो का यही मकसद है मेरा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये फरवरी महीना में भी इतना अच्छा फल दे रहा, मतलब ये बहुत अच्छा पौधा होता है स्ट्रॉबेरी का, कम खर्च में अच्छा फल देने वाला। देखिए अभी ये फरवरी, आज कितना, आज 22 फरवरी है और देखिए इतना अच्छा इसमें फल आ रहा है। देखिए ये आप लोग अगर मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आप लोग को मालूम होगा, याद होगा कि मैं ये पौधा लगाई थी अक्टूबर में, अक्टूबर के 5 तारीख को शायद मैं ये लगाई थी जहाँ तक मुझे याद है, और ये नवंबर के स्टार्टिंग में ही फल देना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं बीच से नहीं लगाई थी इसे, मतलब पौधा लगाई थी तो नवंबर में ही स्टार्ट हो गया था फल देना और नवंबर से ये फल दे रहा। मैं नवंबर से इसका फल तोड़ रही हूँ, खा रही हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं और सबको बहुत पसंद भी आता है। तो देखिए ये अभी तक दे रहा, आज 22 फरवरी है, अभी तक ये इतना अच्छा फल दे रहा और ये मार्च तक देगा, अप्रैल में इसका सीज़न ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सीज़न इसका, फिर ये बंद हो जाएगा और फल देना बंद कर देगा और इसका गमला फिर साइड में रखा जाएगा फिर अगले साल के लिए, है ना। तो अभी आप लोग देखिए इतना अच्छा फल दे रहा है, इसमें देखिए मतलब पूरा पौधा फल से भरा हुआ है। इधर देखिए, इधर देखिए फूल है और ये छोटा सा है और इधर इधर भी देख सकते हैं आप लोग, इतना अच्छा फूल है और छोटा छोटा भी है, पका हुआ भी है, छोटा बड़ा, और देखिए पका हुआ भी है, सब तरह से है इसमें फल, है ना। देखिए चारों बगल से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए देख रहे हैं ना, हर तरफ से देख सकते हैं आप लोग कि हर तरफ इसमें फल लगा हुआ है। तो इधर भी देखिए, इधर भी जो छोटा सा गमला है इसमें भी फल है और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इधर भी है देखिए। तो इसका बहुत फ़ायदा है, मतलब देखिए अभी ये सोचिए कि ये फरवरी के महीना में इतना अच्छा फल दे रहा तो जनवरी दिसंबर में कितना दिया होगा, है ना, और मार्च तक भी देगा, मतलब कम देगा लेकिन मार्च में भी देगा ये फल और अप्रैल से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको साइड में रख दूंगी मैं और साइड में रखने के बाद जब बारिश होने लगेगा तो बारिश के टाइम में इसमें नए नए पौधे आएंगे, है ना, तो फिर अगले साल के लिए रेडी हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि कम खर्च में अच्छा फल देने वाला ये पौधा है स्ट्रॉबेरी, इसका फ़ायदा बहुत है क्योंकि ये है, एक तो खाने में अच्छा लगता है और दूसरा इसका फ़ायदा बहुत है, ये बहुत फ़ायदेमंद फल है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी को खाना चाहिए। और एक बात कि कम खर्च में ये हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये फल देता है, सोचिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना हो चुका और इतना अच्छा से ये फल दे रहा। तो सोचिए कि अभी 1 महीना और देगा इसमें थोड़ा बहुत फल, 1 महीना और निकलेगा, है ना, तो ये 4-5 महीना तक ये फल देने वाला पौधा है और इसमें खर्च भी बहुत कम है, नाम का है मान लीजिए, बहुत कम खर्च है इसमें, सिर्फ मिट्टी और गोबर खाद मिलाई हूँ मैं, गोबर खाद और मिट्टी के साथ मिक्स करके दोनों को, मतलब 40% गोबर खाद और 60% मिट्टी मिक्स करके मैं ये लगाई थी। आप लोग 50-50 भी दे सकते हैं, मतलब 50% 50% इस तरह से भी आप लोग मिला सकते हैं गोबर खाद और मिट्टी, लेकिन मैं 40% ही दी थी गोबर खाद। और बीच बीच में कभी जैसे कि हम लोग केला लाते हैं मार्केट से खाने के लिए तो उसका जो छिलका होता है ना उसी को मैं पानी में डाल देती हूँ और 2-3 दिन तक पानी में फूलता है उसी तरह से,
और उसका जो पानी होता है ना उसी को छान के मैं इसके जड़ में डालती हूँ, स्ट्रॉबेरी के जड़ में, मतलब नीचे इधर साइड डाल देती हूँ, तो इसमें मतलब और अच्छा ग्रोथ आता है और अच्छे से और फल देने लगता है इसका, मतलब बड़ा बड़ा साइज का होता है। अभी देखिए कुछ दिनों से मैंने कुछ नहीं दिया है इसमें खाद पानी कुछ भी, तो थोड़ा छोटा छोटा फल आ रहे हैं, तो सही है। अब ऐसे भी अभी इसका सीजन जा रहा, 1 महीना तक और थोड़ा बहुत देगा फल, है ना। तो आप लोग भी लगाइए इसी तरह से, मैं तो यही चाहूँगी कि सब कोई लगाए, क्योंकि इसका क्या है ना कि एक तो ये गार्डनिंग करने से क्या होता है कि अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है ना, और हरा भरा रहता है अपना गार्डन तो अच्छा लगता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट है ये फल और फायदे का भी है। तो आप लोग भी लगाइए इसी तरह से, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब मिलता है, लाइक मिलता है, तो वीडियो बनाने में और वीडियो डालने में अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरह गार्डनिंग कीजिए, अपना गार्डन को हरा भरा बनाइए और फल का फ़ायदा उठाइए सभी। मेरे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मैं पहले भी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे वीडियो बना के और आगे भी डालती रहूँगी, तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मैं और भी वीडियो आगे जितना बनाऊंगी और डालूंगी तो आप लोग देखते रहिए, है ना। आज के लिए मैं चाहूंगी कि इतना ही, थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।